प्रातःकाल की पहली नमस्ते सभी फाउंडिंग साथियों के लिए और हमारे चैनल के दर्शकों के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस समय आप लोग लगातार ऑन पैसिव पे फोकस बनाए हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। पिछले दिनों एसर ने मेरे इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था, ट्रैफिक एंड इनकम सॉल्यूशन, और कल आपने माजिद पठान जी का और मोहम्मद कमाल जी का भी वीडियो देखा और उसके बाद और वेबिनार में भी, इंडियन वेबिनार में भी मोहम्मद कमाल सर आए थे और उन्होंने वहां पर भी काफ़ी आप लोगों को खुश किया होगा, एक्साइटेड किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सेटिस्फाई रहे होंगे क्योंकि ये वक्त और ये दौर जो चल रहा है वो पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन का ही है। जो बैक एंड पे वर्क चल रहा है, माइग्रेशन का, शिफ्टिंग का, इसमें बहुत सी चीज़ें अब निकल के आने वाली हैं आप लोगों के सामने। बहुत चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं। सबसे पहले पेमेंट प्रोसेसर आप लोग देख ही रहे होंगे, वो सबसे पहली चीज़ आने वाली। फिर ट्रैफिक का भी एक बहुत बड़ा रोल हम लोगों की लाइफ में होने जा रहा है क्योंकि विदाउट ट्रैफिक हम लोगों को इनकम कैसे आएगी, इस पर भी आप लोगों के साथ में चर्चा इस वीडियो कैसे करेंगे क्योंकि आप सब लोग ही ट्रैफिक को एसर ने प्रोस वाले जो कार्यक्रम में बताया था कि कैसे ट्रैफिक जनरेट होता है, क्यों लोग दुनिया ट्रैफिक की इतनी बात करती है, और जिसके पास ट्रैफिक है, पब्लिक है, एज हम लोग फाउंडर्स के रूप में ये भी एक ट्रैफिक ही है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक आने से कितनी इनकम आप लोगों के लिए आने वाली हो, कितना इनकम का प्रभाव इस पर पड़ेगा कि आपकी उद्देश्य क्या हैं, आपने लाइफ के क्या वो फुलफ़िल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हर आदमी इसी पे एक प्रश्न सा कर रहा है, स्वयं से प्रश्न कर रहा है और स्वयं को ही उत्तर भी दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ट्रैफिक सॉल्यूशन से जो इनकम होने वाली है, ट्रैफिक से जो इनकम होने वाली है, उस पर इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ यार कमल और आप देख रहे हैं हमारे ये चैनल। दोस्तों एक वही निवेदन कि यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को हिट करना ना भूलें। दोस्तों दुनिया में हर जगह ट्रैफिक का ही बोलबाला है। अगर हम किसी कार कंपनी को देखें तो उनके पास डाटा बहुत ज़्यादा पहले से ही है। कुछ पुरानी कंपनीज हैं, टाटा हो गई या मारुति हो गई या होंडा हो गई, इनके पास ट्रैफिक ज़बरदस्त पहले से ही है और ये किसी भी चीज़ को बेचने के लिए पब्लिक के पास तक नहीं जाते क्योंकि इनके पास फेमस लोग हैं और जब कोई फेमस हो जाता है तो उसके पास ट्रैफिक अपने आप दौड़ करके आता है। ऐसे में ऑन पैसिव कितना फेमस हुआ हम सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि पूरी दुनिया आज ऑन पैसिव को देख रही है, समझ रही है और रिसर्च भी कर रही है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। और ये वाकई अगर ये 1% 10% या 20% भी मार्केट में उतर आते हैं, जैसा कि आज की डेट में तैयारियां चल रही हैं, और उसके बाद जो ट्रैफिक यहां पे आने वाला वो ज़बरदस्त ट्रैफिक होगा। अभी आप लोगों ने पिछले एक दो दिन में मेरी वीडियोस भी देखी होगी कि वो पूरा जो उन्होंने इनकम का आपको दिखाया था, पर डे की इनकम, पर वीक की इनकम, पर मंथ की इनकम और पर ईयर की इनकम जो दिखाई थी उस लोगों ने, यह मैंने वीडियो में डिस्कशन किया था, वो सब कुछ डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। यदि अगर आपके पास प्रत्येक व्यक्ति के पास में ट्रैफिक आ जाता है और उसका एक जो कमीशन होता है जो डायरेक्ट आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक आप ला रहे हैं या ऑन पैसिव ला रहा है ये मायने नहीं रखता, आपको सिर्फ ट्रैफिक से मतलब है। आप ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ऑन पैसिव ट्रैफिक दे रहा है ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑन पैसिव ने कहा ये ट्रैफिक क्रिएशन का काम तो ऑन पैसिव का ही है, वो इसका प्रचार प्रसार करेगी, मार्केटिंग करेगी और जैसा उसने मार्केटिंग की भी है, बुर्ज खलीफा पर ज़बरदस्त मार्केटिंग चली आप लोगों ने देखा, और जैसे ही हमारा ये सिस्टम आ जाएगा तो फिर से ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक से ही हम सबको इनकम होने वाली है। इस समय सभी फाउंडिंग साथी इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखे हुए हैं कि हमारी जो पॉकेट की ज़रूरतें हैं उससे कि उसके लिए कितने ट्रैफिक की आवश्यकता पड़ेगी, किस सोर्सेज की, किस रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ साथी तो बहुत ज़्यादा पहले से ट्रैफिक लिए हुए हैं, उनके डायरेक्ट में काफ़ी ट्रैफिक है, जिन लोगों के पास ट्रैफिक नहीं है उनको ऑन पैसिव की तरफ से ट्रैफिक आएगा, और कुछ हम लोग सब मिल करके भी मेहनत करेंगे और जिस समय ऑन पैसिव मार्केटिंग करेगी उस मार्केटिंग से भी काफ़ी ट्रैफिक आने की
पूरी पूरी संभावना है, जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं दुबई पुलिस में काफ़ी अच्छी क्राउड है, प्लस सुपर कार मजलिस के भी लोग हैं, तकदीर अवार्ड्स के भी लोग हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि होल्डिंग टैंक में है, क्योंकि ये सब लोग तब आए थे जब ऑन पैसिव में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका था। तो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद में जब मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ी उसके बाद ये सारे लोग आए, तो ये कहीं ना कहीं होल्डिंग टैंक में हो, ये होल्डिंग टैंक से निकल के आपके ट्रैफिक में आने वाले हो और यहीं से इनकम होगी। दोस्तों अब हम सब लोग मिलकर के इस बार से प्रे करें कि हमारा जो बैकएंड पे वर्क चल रहा है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए, शिफ्टिंग माइग्रेशन का काम जल्दी पूरा हो जाए और हम सब लोग के सामने बहुत सारी चीज़ें दिखने लगे जिनकी हम उम्मीद और इच्छा लगाए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।